18 जुलाई को कैसा रहेगा देश भर में मौसम। बंगाल की खाड़ी में एक और मजबूत सिस्टम बनने जा रहा है। इस समय देश के आसपास के भागों पर बने प्रभावी मौसमी सिस्टम इस प्रकार है। एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र महाराष्ट्र और इसके आसपास के भागों पर बना हुआ है। इसके अलावा एक अन्य चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर देखा जा सकता है। ये सिस्टम अगले 24 घंटे के दौरान कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। एक अन्य चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर में गुजरात के तटों के पास बना हुआ है। मानसून की अक्षय ट्रफ रेखा दक्षिण पश्चिम राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है, जिसमें दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कोंकण गोवा के साथ कोस्टल कर्नाटक के कुछ भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में भारी वर्षा से बाढ़ का संकट बना हुआ है। गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 17 और 18 जुलाई को भारी बारिश और तूफान की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत में अगले 2 दिन मैदानी राज्यों में तूफानी हवाएं चलने की संभावना है, साथ में कहीं कहीं हल्की बारिश पूर्वोत्तर राज्यों में देखी जा सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 18 जुलाई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश भागों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश बिहार में अधिकांश भागों में धूप रहेगी, कहीं कहीं गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है।